एक साल बाद जोफ्रा आर्चर कहर बरपाने के लिए तैयार इंग्लिश टीम का ग्रीन आर्मी पर होगा जबरदस्त वार। दूसरे T20 मुकाबले में क्या होगा बाबर की सेना का हाल? इंग्लिश बोलिंग के आगे कहीं पाक बल्लेबाज हो ना जाए बेहाल। क्या कहती है बर्मिंघम की पिच, बैटिंग को करेगी सपोर्ट या फिर गेंदबाजों की दिखेगी चमक? आखिर किस टीम की दिखेगी धमक? आयरलैंड को रौंदने के बाद इस वक्त पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड की सरजमी पर मौजूद है। वहां ग्रीन आर्मी को 4 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसमें उनका मुकाबला आयरलैंड से कहीं बेहतर टीम यानी मेजबान इंग्लैंड से होना है। ऐसे में बाबर की सेना का इंग्लैंड की सरजमी पर कड़ा इम्तिहान होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। पहला मुकाबला कार्डिफ में खेला जाना था, वहीं दूसरे मुकाबले के लिए बाबर की सेना बर्मिंघम में पहुंच चुकी है, जहां इस बार ग्रीन आर्मी में हारिस रऊफ पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं। वहीं इंग्लिश टीम की तरफ से जोफ्रा आर्चर भी पूरी तरह फिट हो चुके हैं। आर्चर लगभग एक साल के बाद इंटरनेशनल मैचेस में कहर बरपाते नजर आ सकते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच बर्मिंघम में शनिवार को खेला जाएगा। यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और वेरिएशन वाले गेंदबाज यहां कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी पारी में यहां रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पिच स्लो होने के चलते स्पिनर्स के लिए मददगार हो जाती है। बर्मिंघम की पिच पर पहली पारी का एवरेज स्कोर 150 के आसपास का है, तो दूसरी पारी में 103 रन तक बनते हैं। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 170 प्लस का स्कोर खड़ा करना चाहेगी, ताकि विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सके। बात अगर इंग्लिश टीम की करें तो निश्चित ही जोफ्रा आर्चर की वापसी से इंग्लिश टीम की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग साबित हो सकती है। वहीं हारिस रऊफ की भी पाक टीम में वापसी हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान के पास भी एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप है। इस वक्त बाबर की सेना के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड को उसकी ही सरजमी पर T20 सीरीज में मात देकर आ रही है। लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम में फ़र्क भी बड़ा है। इंग्लिश टीम खासकर T20 क्रिकेट में अगर बात करें तो काफ़ी मजबूत रही है। अपने विरोधियों को ये टीम धूल चटाने का पूरा मादा रखती है। वहीं अगर उनकी ही सरजमी पर कोई मैच हो तो इंग्लिश टीम और भी घातक बन जाती है। इंग्लैंड के खेमे में स्पिन और फास्ट बॉलिंग का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जहाँ स्पिन के लिए लेग स्पिनर आदिल राशिद पर इंग्लिश टीम को पूरा भरोसा है। वहीं टॉम हर्टले, मोइन अली और लिविंगस्टोन भी अपनी ऑफ स्पिन से ग्रीन आर्मी को नचा सकते हैं। इंग्लिश टीम का फास्ट बॉलिंग लाइनअप तो और भी घातक है। इस टीम में सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, रीस टोपली और मार्क वुड जैसे घातक गेंदबाज हैं। वहीं अगर पाकिस्तानी खेमे की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में इमाद वसीम, इफ्तिकार अहमद, अबरार अहमद और शादाब खान जैसे बॉलर हैं। वहीं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह जैसे जबरदस्त गेंदबाज हैं। ऐसे में यह तो तय है कि अगर ग्रीन आर्मी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ खेलेगी तो इंग्लिश टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन कहा जाए तो हारिस रऊफ रन लुटाने के मामले में काफी आगे हैं। वहीं पाक स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा कमजोर ही नजर आ रहा है और मोहम्मद आमिर अभी भी आयरलैंड के खिलाफ अपने पुराने लय में नहीं दिखे हैं। ऐसे में बाबर की सेना अगर कोई चूक करती है तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत का सपना धरा रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।